सिद्धू मूसेवाला जो एक पंजाबी सिंगर एंड कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, वो 29 मई को पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में अपने दोस्तों के साथ कार में घूम रहे थे, तब उनके ऊपर ऑटोमेटिक राइफल से अटैक हुआ और उसमें उनकी जान चली गई। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 साल के थे और उनकी पंजाब में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पास्ट में भी पंजाब में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सिंगर्स और बिजनेसमैन का ओपनली मर्डर हुआ है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पंजाब का गन कल्चर, और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे गवर्नमेंट एंड पुलिस के लॉ ऑर्डर पंजाब में कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं और इसी की वजह से आज भी हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं। Well, disturbing news just coming in from Punjab. Singer and Congress leader Sidhu Moosewala has in fact been shot dead. The Punjab police has been given custody of suspected mastermind behind Sidhu Moosewala's murder. Gangster. Firing during weddings is a ritual in several areas. A 50-year-old man and his nephew died after multiple gunshots. The songs and the manner in which they're picturized, guns, gangsters, bullets, whether this is part of the reason why youngsters in Punjab are taking to the gun culture. Is the Aam Aadmi Party guilty of playing political populism over security of VVIP? India mein license weapon ko acquire karna aur unko publicly carry karna baaki countries ki tarah itna common nahi hai. Lekin yahi cheez aap पंजाब को बाकी स्टेट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको सिचुएशन टोटली उल्टी मिलेगी। इंडिया के टोटल लाइसेंस वेपन में आपको सबसे ज्यादा लाइसेंस वेपन पंजाब में ही देखने को मिलेगी। अगर ये चीज हम डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 2% पॉपुलेशन पंजाब में रहती है। अगर ये चीज हम लाइसेंस वेपन के हिसाब से देखें तो इंडिया के टोटल लाइसेंसेस में से 20% लाइसेंसेस सिर्फ पंजाब में से, जिसका मतलब है कि हर 5 गन पे एक गन आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। पंजाब में हर 8,900 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, लेकिन वहीं पे 1,000 लोगों के ऊपर 13 गन लाइसेंसेस है, और ये सारे नंबर्स गवर्नमेंट ने पब्लिश किए। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अलावा कितने अनलाइसेंस एंड इलीगल वेपन हो सकते हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं होते, और यही रीज़न है कि पंजाब पुलिस टाइम टाइम पे इलीगल वेपन एंड उनके डीलर्स को अरेस्ट करती रहती है। और इतने लाइसेंसेस होने के बाद भी पंजाब गवर्नमेंट नए लाइसेंसेस इशू कर रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 2020 तक पंजाब गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया में लाइसेंसेस इशू किए। फिरोजपुर जो एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 1200 फेक गन लाइसेंसेस इशू हुए थे, और फिरोजपुर को पंजाब का इलीगल गन का हब माना जाता है, जहां पे आप 2,500 से 1.5 लाख रुपए देके कोई भी गन परचेज कर सकते हैं, और यहीं से बाकी स्टेट्स में भी गन की स्मगलिंग होती है, जहां पे पहले गन्स को कैरी करना एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे लोग उसको स्टेटस सिंबल, शो ऑफ एंड फैशन स्टेटमेंट की तरीके से देखते हैं। यहां तक कि काफी सेलिब्रेशन पार्टीज एंड वेडिंग्स में ओपन गन फायर करना पावर एंड प्राइड कंसीडर किया जाता है, और जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाती है। तो हमें इन सारी चीज़ों से इतना तो पता चलता है कि पंजाब का गन कल्चर आज गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। पंजाब में गन कल्चर के कुछ बड़े रीजंस हैं। उसमें सबसे पहला है मिलिटेंसीज एंड टेररिज्म। 1980s में पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहाँ पे मिलिटेंसीज एंड टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए गन लाइसेंसेस इशू करना स्टार्ट कर दिया, और पंजाब के सबसे ज्यादा गन लाइसेंस उसी टाइम पे इशू हुए थे। और ईयर 91 को पंजाब की हिस्ट्री का ब्लडीएस्ट ईयर कंसीडर किया जाता है। अराउंड 5,000 सिविलियन और कई पुलिस वाले टेररिज्म से लड़ते हुए मारे गए थे। दूसरा रीजन है पंजाबी कल्चर एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अगर आप लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स को देखोगे तो आपको ज्यादातर गन्स, दारू, ड्रग्स, AK-47 जैसे वर्ड्स का गानों में यूज किया जाता है। यहाँ तक कि सिंगर्स अपने गानों में गन्स को ग्लोरीफाई भी करते हैं और कई बार तो प्रॉब्लम्स को गन के थ्रू सेटल करने का मैसेज तक देते हैं, और यही चीज का पंजाब के यूथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कोविड लॉकडाउन में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पुलिस ने बुक तक कर लिया था, क्योंकि वो अनलाइसेंस AK-47 ओपनली चला रहे थे, और उनको बेल मिलने के बाद उन्होंने ये पूरी सिचुएशन के ऊपर एक गाना तक बना दिया। यहाँ तक कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गन्स को ग्लोरीफाई करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाने की भी बात तक की है। और
तीसरा रीजन है इंटर गैंग राइवलरी। पंजाब से अक्सर हम लोग इंटर गैंग राइवलरी और एनकाउंटर की न्यूज सुनते रहते हैं। रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला के केस में मर्डर रीजन इंटर गैंग राइवलरी को ही माना जा रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। आज की डेट में पंजाब में 8 बड़े एक्टिव गैंग्स हैं, उनमें से काफी गैंग्स के लीडर को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है और बाकी गैंग्स के लीडर या तो जेल में बंद है या फिर दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं और वहां से अपनी गैंग को चला रहे हैं। और इनके मेन टारगेट्स होते हैं कबड्डी प्लेयर्स, सिंगर्स और पॉलिटिशियन। यहां तक कई सिंगर्स ने ओपनली ये तक कहा है कि उनको डेथ थ्रेट्स और एक्सटॉर्शन के लिए कॉल तक आते हैं। और लास्ट रीजन है हल्का सिस्टम। पंजाब में हल्का सिस्टम की वजह से ग्राउंड लेवल पे पुलिस डिपार्टमेंट में SHO की अपॉइंटमेंट होती है लोकल MLAs और ओपोजिशन लीडर्स के थ्रू। इन SHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गन्स के लाइसेंसेस को इशू करवाने में, और कई बार लोकल MLAs अपने सपोर्टर्स के लिए अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं कि उनको भी गन्स के लाइसेंसेस मिल जाए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन कैंपेन में हल्का सिस्टम को हटाने की बात की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इतना कुछ इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अभी की गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट ने भी कोई इंडिकेशन नहीं दिए कि वो हल्का सिस्टम को हटाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि पंजाब के गन कल्चर को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है रिव्यू ऑफ गन लाइसेंसेस। पंजाब गवर्नमेंट को अपने इश्यूड लाइसेंसेस को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए और स्पेशली जो 1980s एंड 90s में इशू हुए थे उनको नीड एंड नेसेसिटी के हिसाब से रिन्यू या फिर कैंसिल करना चाहिए। और उसके अलावा उनको नए गन लाइसेंस इशू करने के लिए प्रोसेस को रोबस्ट बनाना चाहिए, जिसकी वजह से विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोई भी नए लाइसेंसेस इशू ना हो। दूसरा पॉइंट है टू रिमूव हल्का सिस्टम। पंजाब गवर्नमेंट को रिफॉर्म के थ्रू हल्का सिस्टम को हटाना चाहिए, जिसकी वजह से SHO की रिकमेंडेशन एंड अपॉइंटमेंट पुलिस अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए, ना कि लोकल MLAs एंड ओपोजिशन लीडर, जिसकी वजह से SHO के पास पावर होगी कि वो अपने हिसाब से लाइसेंसेस इशू कर पाए और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन कर पाए। और लास्ट पॉइंट है अवेयरनेस। पंजाब के लोगों और हमें गन कल्चर के अगेंस्ट वॉइस रेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे गन्स को एज अ पावर एंड स्टेटस सिंबल देखा जाता है। हमें ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि ओपनली गन्स को ग्लोरीफाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से यूथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल्स मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वन।